कैसे होगा, तरीका क्या होगा, किसानों का बचाव कैसे होगा। और ये पूरे पब्लिक डोमेन में है, ये बात सत्य है कि शायद उसके ट्रैप में राजस्थान के किसान आए होंगे, प्रभावित हुए होंगे। मतदाता को प्रभावित करने का ये अनैतिक काम कांग्रेस ने किया, किसानों को प्रभावित करने का। और उसके कालांतर की जो घटनाएं हुई जिसमें किसानों ने सुसाइड की लाइव वीडियो जारी किए, सरकार को जब पसीन आया, जब सरकार ने अपने ही जवाब में ये कहा कि 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, ये मीडिया में चला, जनता के बीच में चला, तो सरकार इस पर सतर्क हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि किसानों का भला करना होता तो यही बिल इसी तर्ज पर इससे पहले भी, क्योंकि ऑलरेडी किसानों के भले के लिए किसान आयोग बनाया हुआ है, वो किस बात का आयोग है इसका जवाब सरकार नहीं दे पाई कि वो कितना भला करेंगे और कैसे किया होगा, उसका आउटपुट क्या है, कितने सुझाव आए, लेकिन इसका सरकार जवाब नहीं दे पाई। आज ही एक सवाल था कि जितने आयोग बनाए उसमें उनकी वैधानिकता और उनकी प्रशासनिक क्षमता क्या है। तो किसानों के मसले में ये जो बिल है, कृषक ऋण राहत आयोग, दूसरे किसान आयोग होते हुए राहत आयोग की जरूरत कहाँ थी, दूसरा उसके भीतर जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है, कितना किसानों को वो रिलीफ दे पाएगा ये भी भविष्य के गर्भ में। पर मुझे लगता है कि जब सरकार के पूरे 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद आप पर जब जूता पड़ना शुरू होता है तब आप ऐसे बिल लेके आते हो, इसका मतलब आप लीपापोती करते हो, आपकी नीयत साफ नहीं थी। यदि ये प्रावधान करते 18 में 19 में तो समझ सकते थे कि सरकार की नीयत साफ है। तो जितने बिल आए हैं उन बिलों में या तो भ्रष्टाचार की बू आती है या वोटर को इन्फ्लुएंस करने की, उसमें कहीं भी इस तरीके का प्रावधान या ऐसी नीयत दिखती नहीं है जिससे लोगों का भला होता हो। देखिए, अभी चर्चा हो रही थी कि सामान्य तौर पर जो एक एवरेज है देश में वो 30-33% है, उसके कारण इतर होते होंगे, कई लोग एज बार होते हैं, कई बार समीकरण अलग तरीके के होते हैं, कई बार एंटी इनकमबेंसी इंडिविजुअल की भी होती है। लेकिन एक परंपरा जरूर है कि 80% मंत्री ये दोबारा चुनकर नहीं आते हैं, ये प्रमाणिक तथ्य है, ये देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि सरकार के जो नुमाइंदे जो सरकार में सरमाएदार हैं उनको जनता एक्नॉलेज नहीं करती, उनको समर्थन नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये विचित्र सी बात है कि जो व्यक्ति सरकार में है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट आती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो चीज कही जाती है उस पर जनता प्रमाणिक रूप से मोहर लगाती है। लोकतंत्र की गरिमा को खंडित किया है। 11 बजे अध्यक्ष के चैम्बर में माफी मांग लेंगे, उसके बाद सबको हो जाएगा। अदालत ऐसा क्या हुआ? देखिए, हम लोग तैयार थे और हमने स्पीकर महोदय को 24 तारीख को इस बात के लिए सभी लोग तैयार थे, जैसा आमतौर पर बड़े सदनों में होता है कि सद्भाव की बैठक होती है, चर्चा विमर्श होता है, फोटोग्राफी होती है, लंच डिनर होता है, हम उन सब बातों के लिए तैयार थे। उसका समय बढ़ाया गया और उसके बाद फिर भी हम लोग तैयार थे। हमारे एक माननीय